हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ समर्स में कौन कौन से वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, जिनका कि ये सीज़न भी चल रहा है फरवरी और मार्च का, तो आप बहुत ही आराम से समर्स के वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। जो ईज़ली ग्रोइंग वेजिटेबल्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी, जो आराम से आपके टेरेस गार्डन में आप लगा सकते हैं। और इन सभी को आप बड़े ग्रोइंग बैग में लगाएं और मिट्टी बहुत ही रिच बनाएं, बहुत ही अच्छी बनाएं, तभी वेजिटेबल्स आपकी बहुत अच्छी होंगी। और आपको अगर ग्रो बैग बाई करना है तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से आराम से बाई कर सकते हैं। और हमेशा ही आप वेजिटेबल्स वाले प्लांट को बड़े ग्रोइंग बैग में लगाएं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है आपका नेनुआ, जो ऑलमोस्ट सभी लोग लगाते हैं और बहुत ही आराम से हो जाता है। ये वाले नेनुए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आप लगा सकते हैं, बहुत ही आराम से हो जाता है और बहुत ही ये अच्छा सीज़न है। आप अभी इसके बीज लगा दें और बीज हमेशा आप पानी में फुला के रख दें एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, फिर इसको लगाएं तो जर्मिनेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। सेकंड नंबर पे है आपका करेला। करेला को आप लगा सकते हैं, ये थोड़े से छोटे भी ग्रोइंग बैग में लगाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये मैंने लगाया है, मैंने पिछले साल लगाया था तो उतना बड़ा मेरा ग्रोइंग बैग नहीं था, थोड़ा छोटा ही था तो चल गया था। आई थिंक मेरा 15x15 का था ग्रोइंग बैग, तो बहुत ही आराम से ये चल गया था। और फिर ये बहुत ही मेरा फेवरेट ये वेजिटेबल है, सब्जी है, इसको आप लगाएं, सतपुतिया। ये भी बहुत आराम से, ये गुच्छे में होता है, ये देख रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पे, गुच्छे गुच्छे में इसके वेजिटेबल्स होते हैं और बहुत ही सारे एक साथ वेजिटेबल्स लगते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। ये भी आराम से 18x18 के पॉट में आराम से चल जाएगा। और फिर है आपका ब्रिंजल, बैंगन, गोल वाले बैंगन भी आप लगा सकते हैं और इसमें के आप लंबे वाले बैंगन भी लगा सकते हैं। मुझे बैंगन के प्लांट पर्सनली बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में, और इसको आप घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये घर में जब होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इनके प्लांट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर लगाएं अपने घर में। बैंगन के प्लांट्स के आप बीज भी लगा सकते हैं, पिछले साल तो मैं पौध ले आई थी इनके छोटे छोटे, तो आप नर्सरी में जाके पौध भी चेकआउट कर सकते हैं, इनके पौध भी छोटे छोटे मिलते हैं, तो आप पौध भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग को इनके बीज लगाने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आप इनके पौध ट्राई कर सकते हैं। आप नर्सरी विजिट करिए और वहाँ से अच्छी वैरायटी के प्लांट्स लीजिए, वो आपको दे देंगे और तो आप इसे लगा सकते हैं। फिर आपका आता है लौकी, इसमें लंबी वाली लौकी भी है और गोल वाली लौकी भी है, तो इसके आप बीज लगा सकते हैं वैसे ही, एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए आप इसको फूलने के लिए रख दीजिए। फिर आपको जब भी आप लगाते हैं ना बीज को, तो बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी, बहुत ही हल्की मिट्टी बनाइएगा, ताकि ये बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो सके। आप कोको पीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीज को लगाने के लिए। और फिर आपका नेक्स्ट नंबर पे आता है ककड़ी, इसे भी आप 18x18 इंच के ग्रो बैग में बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, और ये जब फलती है तो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगती है, पूरी लंबी लंबी लटकती है, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं समर्स में, अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप इसे भी लगाइए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जब भी आप कहीं से बीज खरीदते हैं किसी शॉप से, तो आप सारे बीज को एक साथ मत लगाया करिए, आप कुछ ही बीज को लगाइए, जैसे 4-5 बीज को लगाइए, बाकी सारे बीज आप रहने दीजिए, और उसमें से जो भी जर्मिनेशन होता है, जो भी अच्छे प्लांट्स आपके निकलते हैं उनको ही आप रखिए, बाकी को आप निकाल दीजिए, तो आपके प्लांट्स भी बहुत अच्छे होंगे, फ्रूट भी आपके बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे होंगे। और फिर आपका मन करता है तो आप उस बीज को, अगर कुछ प्लांट उसमें से ख़राब भी निकल गए हैं, तो आप फिर से जो आपके बचे हुए बीज हैं उनको आप फिर से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे जो आप फरवरी और मार्च में वेजिटेबल्स को आप लगा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये मेरे कुछ गार्डन के बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स, फ्रेंड्स इन वेजिटेबल्स को लगाइए और गार्डन को सिंपल और इजी बनाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय।